एक गांव में एक लाला जी रहा करते थे। लाला जी के पास बहुत बड़ा घर और बड़े बड़े खेत थे। वैसे तो वो बहुत अमीर थे पर कंजूस भी थे। कसम पैसे की, ये कपड़ा अच्छा तो है लेकिन मैं इसके 2 सिक्के से ज्यादा नहीं दे सकता। लाला जी, ये पश्मीना रेशम का कपड़ा है, देखिए ये कितना मुलायम है और इसका रंग तो देखिए कितना सुंदर है। तुम्हारा सब ठीक है पर मैं तुम्हें 2 सिक्कों से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ, कसम पैसे की। लाला जी थोड़ा बढ़ा दीजिए वरना मुझे नुकसान हो जाएगा। मैं तेरा नुकसान बचाने के लिए अपना नुकसान करवा लूं। वाह वाह, तुझे देना है तो दे वरना मैं जाता हूँ। ठीक है ले लीजिए लाला जी। लाला जी ने वो कपड़ा ले लिया। इसी तरह लाला जी छोटी छोटी चीजों के लिए मोल भाव करते। लाला जी हमेशा ये सोचते कि ये जीवन जीना कितना मुश्किल है, हर चीज के लिए पैसे लगाते हैं। मुझे जितना हो सके उतने पैसे जमाने होंगे वरना मेरी पत्नी है ही पैसे उड़ाने के लिए, उससे तो जब देखो पैसे लुटाने ही होते हैं। अच्छा है वो मैके गई है, कम से कम मेरा खर्चा कम हो गया है। तभी उसका सेवक आया। लाला जी, मालकिन के मैके से अच्छी खबर आई है कि आप पिता बनने वाले हैं और अब मालकिन बच्चे के जन्म के बाद ही लौटेंगी। अच्छा है अच्छा है। बधाई हो लाला जी। ठीक है अब तुम जाओ और काम करो। सेवक वहाँ से चला गया और फिर लाला जी सोचने लगे, कसम पैसे की एक बात तो अच्छी है कि मेरी पत्नी अब कम से कम 9 महीने बाद आएगी। चलो खर्चा कम, लेकिन अब जब वो वापस आएगी तब उसके साथ एक और खर्चालू भी आ जाएगा। जब वो बच्चा लेके घर आएगी तो कसम पैसे की मुझे ब्राह्मणों को भोजन करवाना होगा। अब मैं क्या करूं, इस उत्सव में तो मेरा बहुत सारा पैसा लुट जाएगा। लाला जी को बच्चे की खुशी से ज्यादा खर्चे का दुख था। वो खर्चा बचाने के तरीके ढूंढने लगे। मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरा खर्च भी कम हो जाए और ब्राह्मणों के भोजन की रीत भी पूरी हो जाए। कसम पैसे की मुझे कोई तो तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। आखिर एक दिन उन्हें तरीका मिल ही गया। वाह, इससे तो मेरा कुछ ज्यादा खर्च भी नहीं होगा और ब्राह्मणों के भोजन की रीत भी पूरी हो जाएगी। 9 महीने बीत गए। लाला जी बधाई हो, संदेशा आया है कि आपको एक सेहतमंद बेटा हुआ है। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छे। अब तुम एक काम करो, गांव के ब्राह्मणों को न्योता भेजो कि कल मेरे घर बच्चे के जन्म की खुशी में दावत है। सेवक थोड़ा चौंक गया। ठीक है लाला जी, ठीक है। सेवक रास्ते भर सोच रहा था, ये लाला जी तो बहुत ही कंजूस है, ये कैसे किसी को भोजन पे बुला सकते हैं? शायद पुत्र की खुशी है इसलिए, मुझे क्या। सेवक ब्राह्मणों के घर पहुंचा। कल लाला जी ने आप सभी को दावत पे आमंत्रित किया है। क्या, लाला जी ने? हाँ, उन्हें आज ही बेटा हुआ है तो उसी खुशी में आप सभी को आमंत्रित किया है। ठीक है, हम सब पहुँच जाएंगे। सेवक वहाँ से चला गया और ब्राह्मण सब असमंजस में थे। सभी ब्राह्मण लाला जी के घर पहुँचे दावत के लिए। उनके सामने सिर्फ 2-2 लड्डू रखे हुए थे। ये क्या लाला जी, सिर्फ 2 लड्डू? महाराज आप जितना खाना चाहें खा सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको खाना बिना बाह मोड़े या बिना थाली में मुंह डाले खाना होगा। क्या, लेकिन ये कैसे संभव है? सारे ब्राह्मण आपस में बात करने लगे। आखिर बड़े ब्राह्मण को एक उपाय सूझ ही गया। उन्होंने अपने बगल में बैठे हुए ब्राह्मण को लड्डू खिलाया और उनको देख
सारे ब्राह्मणों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाए। अरे ये क्या? लाला जी का सेवक और लड्डू के थाल ले आया और एक एक करके सभी थाल खत्म हो रहे थे। अब लाला जी चिंतित थे। मेरी योजना तो मुझ पे ही भारी पड़ गई। अरे ब्राह्मणों, कम खाओ। कितना खाओगे? पेट फट जाएगा। मूर्ख लाला, तूने क्या सोचा हम तुम्हारे कपटी दिमाग की योजना में फंस जाएंगे? ब्राह्मणों ने भर पेट खाया और अब लाला जी का मुंह लटक चुका था। अंत में ब्राह्मण लाला जी के पास आए। शुक्रिया लाला जी, हम सभी ने भर पेट खाना खाया। आप तो बहुत ही उदार हैं। गांव वालों को गलत फहमी है कि आप तो बहुत ही कंजूस हैं। हम सभी गांव वालों को आपकी उदारता के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपने कैसे हम सभी को एक दूसरे को खाना खिलाकर हमारे आपस का प्रेम बढ़ाया है। ठीक है महाराज। आप बहुत ही उदार हैं लाला जी। एक बार फिर शुक्रिया, कसम पैसे की। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।